हेलो दोस्तों, भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताजा हैं और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। या रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझने की कोशिश करते हैं वह उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज दफन है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का क्या राज था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर कई अजीबोगरीब रहस्य हैं। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अयास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव वालों के आत्मसम्मान की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वालों ने एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं होने देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन दो गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिश के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव, घूमने आने वाले के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाली ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ आती है, महिलाओं के बात करने की और उनके चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहदों पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पाली वाली ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसा कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो पाया। ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि
हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया, जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपना अपना नाम भी बताया। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए। जैसा कि कुलधरा गई टीम सदस्यों ने मीडिया को बताया, लेकिन यह भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संक्षिप्त जिसमें भारी मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात थे उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि कोई भी आज यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है उस उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। इसी के कारण यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। दोस्तों, यह थी कुलधरा की कहानी। आपको हम बता दें कि इस गांव पे एक मूवी भी बनाई गई है। उस फिल्म का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा कर के उस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, कुलधरा जैसे कई ऐसे रहस्य हमारे भारत में छिपे हुए हैं जो भी आज अनसुलझे हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और घंटी का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।